हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 किए थे, सो आज हम लोग एक्सरसाइज 6.6 करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 6 करेंगे। ओके, बिफोर स्टार्टिंग आवर चैप्टर आई वांट टू से दैट आप लोगों को यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे चैनल में कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। मैं हर एक छोटी छोटी इसमें बातें बता रही हूँ, हर एक छोटी टिप्स दे रही हूँ जिससे आप लोगों को आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो वॉच माई फुल वीडियो और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा जरूर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 6, क्वेश्चन नंबर 1A। दो न्यून कोण, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा हल्का सा रॉन्ग दे दिया है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दो न्यून कोण परस्पर पूरक हो सकते हैं या नहीं। वेदर टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्यूट टू ईच अदर और नॉट। दो न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है या फिर एक्यूट एंगल उसे बोलते हैं जो 90 डिग्री से कम होता है। ओके, लेस देन 90 डिग्री होता है उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल और न्यून कोण। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है, दो न्यून कोण क्या एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, क्या वो कम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? यस, यहाँ दो न्यून कोण कम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं। कैसे? आप देखो, सपोज मेरे पास एक है 60 डिग्री और एक है मेरा, यहाँ पे हम ले रहे हैं 30 डिग्री। तो क्या यह दो है मेरा जो 90 डिग्री से कम है, सो क्या ये दोनों न्यून कोण है, यानी कि दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है तो क्या ये कम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है या नहीं, हम लोग देखेंगे। एड करके देख लेते हैं, 30 प्लस 60 60 प्लस 30, दैट इज 90 डिग्री। यानी कि इन दोनों को यदि हम ऐड कर दे रहे हैं तो 90 डिग्री आ जा रहा है, इसका मतलब ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी दो न्यून कोण परस्पर पूरक हो सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन का आंसर होगा यस। क्वेश्चन नंबर बी में लिखा हुआ है, दो न्यून कोण परस्पर संपूरक हो सकते हैं या नहीं। वेदर टू एक्यूट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर और नॉट। दो सप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं या नहीं, दो न्यून कोण यानी दो एक्यूट एंगल्स हमारे परस्पर संपूरक हो सकते हैं या नहीं। इसका आंसर होगा नहीं हो सकते, नो। क्यों? क्योंकि आप लोग देखो, दो न्यून कोण है यानी कि जो कि लेस देन 90 डिग्री है, तो क्या वो संपूरक हो सकते हैं? हमारे संपूरक के लिए यानी हमारे सप्लीमेंट्री एंगल के लिए हमें चाहिए ग्रेटर देन 90 डिग्री चाहिए, और हमारा दोनों को मिलाकर हमारा कितना होना चाहिए, इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ दो न्यून कोण है, दो न्यून कोण जो है दो एक्यूट एंगल टू एक्यूट एंगल्स 90 डिग्री से नीचे होते हैं, न कि उसके आगे जाते हैं यानी उसके ऊपर होते हैं। तो 90 डिग्री से जो नीचे होंगे वो क्या 180 क्रॉस करेंगे, 180 तक जाएंगे, कभी नहीं जा सकते। सपोज मैं यहाँ पे ले रही हूँ 60 और 85 ले रही हूँ, दोनों 90 से नीचे है, 60 और 85, इन दोनों को मैं ऐड कर रही हूँ, 60 प्लस 85, आप लोग देखो कितना आया, 145 आया, विच इज लेस देन 185। ओके, सॉरी 180, दिस इज लेस देन 180। तो क्या ये मेरा सप्लीमेंट्री एंगल हुआ? नहीं हुआ, इसलिए ये दो न्यून कोण परस्पर संपूरक कभी नहीं हो सकते। ओके, टू एक्यूट एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ है कि एक न्यून कोण और एक अधिक कोण परस्पर पूरक होंगे या नहीं। एक ये है और उसी में एक और क्वेश्चन दिया है, दो सम कोण परस्पर पूरक हो सकते हैं या नहीं। दो एक न्यून कोण और एक अधिक कोण, न्यून कोण और अधिक कोण यानी एक होगा मेरा लेस देन 90 होगा और एक ग्रेटर देन 90 होगा, तो क्या ये परस्पर पूरक होंगे या नहीं। ओके,
क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि न्यून कोण और एक अधिक कोण, अधिक कोण यानी अप टू सिंगल, वो तो 90 से ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 होगा, तो अप टू सिंगल से मेरा पूरक कोण यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे बनेगा, कभी नहीं बन सकता, इसलिए इसका आंसर होगा नहीं और यानी नो। और एक और है इसी में क्वेश्चन की, दो समकोण परस्पर पूरक हो सकते हैं, वो भी कभी नहीं हो सकते क्योंकि दो राइट एंगल हैं, राइट एंगल यानी 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस 90 यदि दो राइट एंगल हैं तो 90 प्लस 90 क्या वो पूरक होंगे, नहीं, कम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे, वो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। ओके, तो ये तो 180 हो जाएगा यानी कि ये कभी नहीं हो सकता, सो आंसर इज नो। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, दो अधिक कोण परस्पर संपूरक हो सकते हैं, दो अधिक कोण परस्पर संपूरक हो सकते हैं, इसका भी आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आप, दो अधिक कोण है, दो अधिक कोण यानी कि 90 से अप है। ओके, 90 से अप या 90, तो हम एक 90 ले लेते हैं। ओके, हम एक ले लेते हैं 100 और एक ले लेते हैं 110, तो 100 प्लस 110 दैट इज कितना हो जाएगा, आप देखो 210 हो गया, विच इज ग्रेटर देन 180, सो हमारे दो अधिक कोण संपूरक कभी नहीं हो सकते। ओके, दो अधिक कोण संपूरक कभी नहीं हो सकते, टू राइट एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री टू, सॉरी दो अधिक कोण है, टू ऑफ टू एंगल आर नॉट सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर ई में बोला जा रहा है दो समकोण परस्पर संपूरक हो सकते हैं। यस, दो समकोण यानी 90 प्लस 90 संपूरक हो सकते हैं। हाँ, ये सप्लीमेंट्री एंगल बना दे रहे हैं 90 प्लस 90, सो इसका आंसर होगा यस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर एफ, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण परस्पर संपूरक हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, सो आंसर इज यस। कैसे? एक न्यून कोण, न्यून कोण यानी लेस देन 90, चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ हम ले रहे हैं 85। ओके, 85 और एक क्या यहाँ पे बोल रहा है कि एक न्यून कोण और एक अधिक कोण। ओके, एक न्यून कोण एक अधिक कोण यानी 85 और एक हम एक ले रहे हैं 95 ले रहे हैं, विच इज ऑब्टूस एंगल, अधिक कोण यानी 90 से अप है 95, तो क्या ये मेरा हो जा रहा है, देखो 180 आ गया। सो 1 एक्यूट एंगल एंड 1 ऑब्टूस एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण दोनों परस्पर संपूरक हो सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर एफ, उसके बाद जी, दो संलग्न कोण परस्पर पूरक हो सकते हैं, दो संलग्न कोण परस्पर संपूरक हो सकते हैं। यस, हो सकते हैं। कैसे? दो संलग्न कोण हैं। ओके, तो ये परस्पर पूरक हो सकते हैं। आप लोग देखो, जैसे यहाँ इस टाइप से यदि मैं यहाँ ये 30 ले रही हूँ एंड दिस वन इज 60, सो ये क्या मेरा पूरक है, यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल ये मेरा बन जा रहा है 60 प्लस 30 दैट इज 90 डिग्री। सो दो संलग्न कोण यानी कि दो एडजेसेंट एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर एच है, दो संलग्न कोण परस्पर संपूरक हो सकते हैं, दो संलग्न कोण परस्पर संपूरक हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। कैसे? मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, दो संलग्न कोण परस्पर संपूरक यानी टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, कैसे हो सकते हैं? देखो, मैं यहाँ पे आप लोग को ड्राइंग बता रही हूँ। एक स्ट्रेट लाइन ले लिया और एक इस टाइप से, ये मैंने मान लिया 120 और ये मेरा 60,
तो यहाँ पे है टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, यस हो सकते हैं. 120 प्लस 60 दैट इज 180. सो ये दोनों संलग्न कोण है यानी टू एडजेसेंट एंगल्स हैं जिसका एक ही वन साइड कॉमन साइड है यानी कि इसका उभयनिष्ठ भुजा है और एक जो मेरा वर्टेक्स है वो सेम होना चाहिए यानी कि कॉमन होना चाहिए. सो यहाँ मेरा वर्टेक्स भी सेम है. सो यह एक एडजेसेंट एंगल है, संपूरक कोण है और इसमें मैंने यहाँ 60 ले लिया और ये 120 ले लिया तो ये मेरा 180 आ गया यानी ये संपूरक है यानी कि सप्लीमेंट्री टू ईच अदर है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर टू. यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न संलग्न कोणों को बनाएं और कौन परस्पर पूरक है या संपूरक है इसे हमें जांच करना है यानी कि यहाँ हम लोगों को ये जितने भी एंगल्स है वो ड्रॉ करना है और उसके बाद हमें देखना है कि यह कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल है या नहीं, पूरक और संपूरक कोण है या नहीं, ये हमें चेक करना है. ठीक है, सबसे पहले दिया 45 45, तो हम लोग 45 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. आप लोग विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर चांदा की सहायता से बनाना. ठीक है, 45 है ये मेरा, 45 है, 45 प्लस 45 क्या हो जाएगा, 45 प्लस 45 आप देखो अच्छा से 90 डिग्री हो जा रहा है यानी कि यह पूरक कोण है यानी यह एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. सो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल यानी पूरक कोण. ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू का ये वन हुआ क्वेश्चन नंबर टू का टू. 120 एंड 30. ठीक है, 120 ये होगा मेरा 120 और ये हम सपोज 30 ले रहे हैं, 120 और 30. यह देखिए आप यहाँ ऐड कीजिए दोनों को, 120 प्लस 30 दैट इज कितना आ रहा है, 150. क्या यह एक संपूरक या पूरक कोण कुछ भी बना रहा है, नहीं बना रहे हैं क्योंकि मेरा यदि संपूरक कोण भी होना चाहिए यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल भी होना चाहिए तो इक्वल्स टू 180 होना चाहिए न कि 150. सो यह मेरा ना ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है और ना ही सप्लीमेंट्री एंगल यानी ना पूरक कोण और ना संपूरक कोण बना रहा है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री दैट इज 70 एंड 110. 70 110 होगा और ये हम ले रहे हैं 70 डिग्री. आप देखो 70 प्लस 110 ऐड करो, 180 आ गया, दैट इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल के लिए मेरा 180 डिग्री होना बहुत जरूरी है. सो यह क्या है, एक सप्लीमेंट्री एंगल है. यानी संपूरक कोण है. ओके, यह एक संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल है. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर में 42 डिग्री एंड 48 डिग्री दिया हुआ है. आप ड्रॉ करो 42 एंड 48. ये मेरा 42 डिग्री एंड दिस वन इज 48. सो हम यहाँ ऐड करते हैं 48 प्लस 42 दैट मीन्स 90 डिग्री विच इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सो क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स ये एक पूरक कोण है. ओके, क्योंकि मेरा 48 और 42 को हम ऐड कर देना है तो मेरा 90 डिग्री आ जा रहा है. सो यह एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव.
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 37 37 एंड 43 37 43। यहां हम ऐड करेंगे 43 प्लस 37 दैट इज 90 डिग्री। सो यह एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दिस वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 85 एंड 95, 85 एंड 95। 85 आपका 90 से थोड़ा सा कम होगा यानी हल्का सा टेढ़ा हो सकता है। 85 एंड दिस वन इज 95, ऐड करेंगे हम 85 प्लस 95 दैट मीन्स 180 डिग्री। सो क्या है यह? सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। आप लोग अच्छा से देखो, मैं इसलिए ड्रॉ करके और आप लोग को ऐड करके दिखा रही हूं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप लोग घर में आसानी से बना सको। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मैं आप लोग को ये बोलना चाहती हूँ, अभी चूंकि कोविड-19 के कारण बहुत सारे बच्चे नहीं निकल पा रहे होंगे घर से, सो ये विदाउट एनी कॉस्ट आप लोगों को ट्यूशन मिल रहा है, कहीं जाना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। सो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। ओके, ठीक है, ओके, बाय बाय।